आप देख रहे हैं अपना समाचार। इसमें मेरा नाम चंद्रमा चंद्राई है जी, और अमन असलोक जी के साथ मिल करके हमने म्यूजिक की है। और मेरे ये मैं तो मेलोडी गाने पड़े हैं जी, एक आइटम सॉन्ग और मेलोडी है। तो जैसे इसके हीरो हैं कुलदीप जी और डायरेक्टर हैं सुनील जी, तो ये लोग मेरे बहुत करीब हैं, मतलब छोटे भाई की तरह हैं। तो ये लोग बोले कि नहीं आपके मूड का भी गाना चाहिए, तो मेरा थोड़ा मेलोडी मूड का आदमी हूँ, मतलब अपने देसी, तो अच्छा हुआ। गाने तो सबने अच्छे बोले हैं, और जहाँ तक अपनी बात है तो मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ अपने काम से, क्योंकि जो बातें आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वही खुशी है। और आप लोग गाने सुनेंगे तो पता चलेगा कि गाने बहुत अच्छे हुए हैं। मैं थोड़ा रफ़ी लता का फॉलोवर्स हूँ, तो उनकी हाइट तो बहुत ऊंची है। सर आपकी कोरियोग्राफी है फिल्म में जी, हाँ बताइए जरा आप गाने कितने हैं और ये एक्टर्स ने कैसे आपके सॉन्ग्स पर परफॉर्म किया? मैं सुदामा मिंज, मेरा नाम, मैं क्या बताऊँ, गाने तो बहुत ही अच्छे बने हैं, प्यारे बने हैं, जब आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को ये गाने। और कुलदीप जी थे, सुनील जी हैं, तो सुनील जी ने मुझे बोला कि सर मुझे कुछ अलग चाहिए, उस तरह का नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए। मैं बोला ठीक है सर, कोशिश करूँगा। कुलदीप जी बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके साथ जो भी स्टार थे वो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत बढ़िया गाना बना है। रोमांटिक सॉन्ग है, फिर दो हमने आइटम सॉन्ग किया, एक भजन है, बड़ा प्यारा भजन है, वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से शूट किया। इस फिल्म में वेरिएशन है अच्छा है गानों का, और बहुत बढ़िया शूट भी हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं था, मेहनत करना पड़ा, मतलब जो मैं सोचता हूँ उतना नहीं था, बट ठीक था, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करने में। नमस्कार, आप सभी, आपके जितने भी दर्शक हैं सबको महेश उपाध्याय का नमस्कार। पोस्टर तो डायरेक्टर का सोच है, हमने देखा तो मुझसे पूछे कि कुछ करेक्शन करना है, मैं बोला नहीं सर, मैं करेक्शन करने वाला तो हर चीज़ में लेकिन लगाता हूँ, मगर लेकिन लगाने के लिए कुछ मिला नहीं। बहुत अच्छा है बहुत, और मैं हमारे जो इसमें जो भी एक्टर हैं सब सीनियर एक्टर हैं, और कुलदीप जी एक्टर कम मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, सुनील जी डायरेक्टर ज़रूर हैं मेरे दोस्त हैं, मैं इतने सालों से आप लोग से हूँ, साथ में काम कर रहे हैं। बस प्रकाश जी आ नहीं पाए, प्रकाश जय जी बहुत अच्छे रोल में हैं। एक मुझे लग रहा है कि मैंने भोजपुरी में नहीं ज़्यादा कम 100 फिल्मों से ज़्यादा कर चुका होगा अभी, उसमें एक फिल्म ये भी है। और मुझे करने में मज़ा आया जब सुनील सर ने मुझे बोला कि महेश जी एक मेरी फिल्म है आपको करना है, तो फिल्म तो इस फिल्म के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कम ही फिल्मों में सेट पर रह पाता हूँ, मगर इसमें साथ में रहा क्योंकि करने का मज़ा, एक नया फिल्म था, हॉरर मूवी मैंने अभी तक नहीं की थी, मगर ये भोजपुरी में हॉरर कम एकदम मस्त पिक्चर है, देखने लायक है, लोग देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। और मेरा दर्शकों से निवेदन है कि वो YouTube का इंतज़ार ना करें, प्लीज़ थिएटर में जाइए देखिए। नहीं, हम लोग एकदम निराश हो चुके हैं, अब ऐसा लगता है कि क्या करें, 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और पता नहीं आगे क्या होगा। अभी सब लोग कह रहे थे कि फिल्में अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फिल्में बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं 100 से ज़्यादा फिल्मों के साथ आपका जुड़ा, मेरा जो, मैं अब आप लोग से सच बात बोलना चाहता हूँ, किसी फिल्म को लोग बोलते हैं राइटर डायरेक्टर ही अच्छा फिल्म बना से, नहीं, राइटर डायरेक्टर मेहनत कर सकते हैं, अच्छी सोच रख सकते हैं, जब तक एक्टर सपोर्ट नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से हमारे इंडस्ट्री के हीरो, जो भी हीरो हैं वो जिस हिसाब से फिल्मों में, अगर वो टाइम देंगे डायरेक्टर को, मेहनत कराएंगे, डायरेक्टर तब खुश होकर फिल्म बनाता है जब हीरो उसके साथ टाइमली आता है, हीरो उसके साथ टाइम देता है, हीरो स्क्रिप्ट पे बैठता है, म्यूजिक पे बैठता है, तब जाके फिल्म अच्छी बनती है। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में
99% हीरो कोई भी डायरेक्टर के साथ सही तरीके से टाइम नहीं देता है, जो मेरा इतने सालों से एक्सपीरियंस है। जो टाइम देते हैं वो अच्छी फिल्म बनती है, वो अच्छी चलती है, और जिस वजह से शायद दर्शक दूर होते जा रहे हैं। आपने जो अभी फिल्म बनाई थी, आप अपनी अपना अनुभव ही बता दीजिए। मेरा अपना भी, मैंने मंदिर वहीं बनाएंगे फिल्म बनाया था और रिलीज भी किया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिल्म तो मैंने दिल से बनाया, अच्छा बनाया, मगर हमारी लागत तो हमें नहीं निकली। ये सच बात है, कोई मीडिया में बोलता नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी फिल्म में मेरा जो पैसा लगा मैं रिकवर नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपनी फिल्म को फ्लॉप मानता हूँ। अगर एक प्रोड्यूसर का पैसा नहीं निकलता वो फिल्म फ्लॉप। इसमें आपके आर्टिस्ट कौन कौन थे? मेरे में प्रदीप पांडे चिंटू जी थे, निधि झा थी, सुशील सिंह थे, और मतलब समर चतुर्वेदी थे, प्रेम दुबे थे, एवरीथिंग। आप ये समझिए कि इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद, टॉप म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जो माने जाते हैं, दो म्यूजिक डायरेक्टर, टॉप कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना, कानू मुखर्जी, रामदेवन, टॉप टेक्नीशियन डायरेक्टर, एवरीथिंग। मैं टेक्नीशियन हूँ इसलिए हमने सब बड़े लेवल से काम किया था। अच्छी पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर। शायद इस समय समय अच्छा नहीं था जब मैंने रिलीज किया, फरवरी 8 फरवरी को रिलीज किया था। माँ सरस्वती का पूजा का दिन था, 3-4 दिन बिहार में बारिश हुआ, उस वजह से भी मेरा नुकसान हो सकता है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे हीरो सेट पे नहीं आते हैं, आपका हीरो सेट पर आता था वक्त के? नहीं, वो तो टाइम के अच्छे थे, चिंटू जी ने सपोर्ट किया था। मगर मेरे कहने का मतलब, जो लोगों के प्राइज है, जो प्राइज मांगते, वो प्राइज के हीरो कोई नहीं है। जितना हमारे भले आज मेरे सब नाराज हो जाएंगे, और सब हर हीरो के साथ मैं काम किया हूँ, दिनेश जी के साथ 6-7 फिल्में, चिंटू जी के साथ 6-7 फिल्में, खेसारी जी के साथ 10-12 फिल्में, पवन जी के साथ 6-7-8 फिल्में, और विक्रांत जी के साथ 6-7 फिल्में, रानी जी के साथ 10-12 फिल्में, रवि जी के साथ 6-7 फिल्में, मनोज जी के साथ सिर्फ एक ही फिल्म किया था। बाकी और भी एक्टरों के साथ, और भी जो एक्टर हैं, कुलदीप जी से के साथ 2 फिल्म, फिर मतलब एवरीथिंग सबके साथ किया ही। सब अच्छे हैं, मगर मुझे चाहिए कि मेरी ये इंडस्ट्री में सब इसी से आगे बढ़े हैं, इसी से अच्छे बने हैं, सबको मिल के इसको वापस पटरी पे लाना चाहिए, सबको सोचना चाहिए फिल्म अच्छी बनाने। बिना हीरो के सपोर्ट को कोई अच्छी फिल्म नहीं बन सकती, दुनिया का कोई डायरेक्टर नहीं बना सकता, दुनिया कोई भी, मैं बोल रहा हूँ किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, किधर भी, बिना एक्टर सपोर्ट की फिल्म अच्छी बन ही नहीं सकती, ये एकदम सत्य बात है। आपको लगता है कि हीरोज के रेट कम होने चाहिए? हीरोज के रेट कम होने चाहिए, हीरो को टाइम देना चाहिए, हीरो सब्जेक्ट पे बैठना चाहिए, हर फिल्म को साइन नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए। ये नाराजगी किसी एक हीरो से है या सारी इंडस्ट्री के हीरो से है? मैं मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी हीरो से मेरी क्या नाराजगी होगी, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि वो लोग ही अच्छे करेंगे तभी हो सकता है, कोई डायरेक्टर अच्छा बना ही नहीं सकता है। अगर हीरो टाइम नहीं देगा, हीरो अच्छा फिल्म नहीं करेगा तो नहीं होगा।